नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये मार्ग है बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाला। आज तारीख की बात करूं तो आज है 8 जुलाई और दिन है रविवार का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा कल से है, 7 तारीख को, कल भी था और आज भी है। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में बनारस एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया गया है। फिलहाल ये एयरपोर्ट वाला मार्ग आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बनारस शहर की तरफ ले चलता हूं और दिखाता हूं बनारस के शहर के और जगहों का किस प्रकार सुबह के नजारे हैं। किस प्रकार यहाँ पर पाम के जो पेड़ लगाए गए हैं सब में रंगीन रोशनियों से भरपूर ये दृश्य मैं आपको रोक कर दिखाता हूँ। काफी खूबसूरत दृश्य है ये। आप देख रहे हैं सामने में चला जाएगा ये मार्ग जौनपुर की तरफ और ये खूबसूरत पाम के पेड़ इस पूरे मार्ग में आपको इसी प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए और भी आगे आपको बनारस की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ किस प्रकार की सजावट है। देख रहे हैं आप पूरा बाबतपुर तक, वाराणसी से लेकर बाबतपुर तक प्रधानमंत्री के आगमन पर काफी अच्छी तैयारी की गई थी। फिलहाल अभी सुबह के करीब 4:30 बजने वाले हैं। रात में तो काफी अच्छी रोशनी की गई थी पूरे बनारस में, आपको आगे चलकर मैं दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में अंत तक के बने रहिए। ये आप देख रहे हैं आगे संत अतुलानंद चौराहा भी होगा। देख रहे हैं यहां भी फिलहाल पूरे रास्ते में डिवाइडर में रंगीन रोशनी से पूरा ये मार्ग आपको दिखाई देगा पूरा वाराणसी तक।
प्रकार G20 सम्मेलन के समय में बनारस को सजाया गया था, कुछ इसी प्रकार बनारस के अंदर में भी जगह जगह लाइटिंग की गई है। आगे में ही है हरहुआ चौराहा, और जैसा कि आप देख रहे हैं हरहुआ चौराहे से आगे मैं आपको ले चलता हूं। एक फ्लाईओवर ये सीधे ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो भी वाराणसी जाएगा, और नीचे से मैं आपको ले चलता हूं। पेड़ों पर बीचों बीच आपको रंगीन रोशनी दिखाई देगी। फिलहाल दिन का सुबह सुबह उजाला भी हो रहा है। इसी बीच में आप ये देख रहे हैं बनारस तक का दृश्य बाबतपुर से। देखेंगे तो बैरिकेडिंग भी किया हुआ है, और ये है अतुलानंद चौराहा, और संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल भी ये आपका सामने की तरफ। यहाँ काफी सिक्योरिटी भी लगी हुई है पुलिस की, और उसका कारण यही है कि मोदी जी का बनारस दौरा। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ बिल्डिंगों में लाइटिंग की गई है, काफी अच्छे तरीके से सजाया। रात में तो और भी खूबसूरत लगता है ये सभी दृश्य, लेकिन फिलहाल अभी 5 बजने वाले हैं सुबह के, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी से ही उजाला होना शुरू हो गया है, लेकिन रात के समय में काफी भव्य दिखाई देता है ये मार्ग। चलिए आगे सर्किट हाउस वाले मार्ग से आपको ले चलते हैं।
रविवार का दिन। वैसे भी बनारस में आज दुकानें बंद रहती हैं अधिकतर, सर्किट हाउस वाला मार्ग है। यहाँ भी काफी अच्छे से सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। चौराहा देख रहे हैं यहाँ पर, यह है सामने सर्किट हाउस। आपका है अंबेडकर चौराहा। में ही ताज होटल और नदेसर, फिलहाल इस मार्ग की चौड़ाई और साफ सफाई देखिए आप। बनारस में जब से G20 सम्मेलन हुआ है तब से सूरत ही बनारस की बदली हुई है।